गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? बायो सावर्ट लॉ एप्लीकेशन। बेटा आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस इसकी पढ़ी हैं, ठीक है, आपने अलग अलग क्लासेस में की होंगी। आज हम इस कंसेप्ट को यूट्यूब क्लासेस में करने जा रहे हैं बेटा, बायो सावर्ट लॉ एप्लीकेशन। तो बेटा सबसे पहली एप्लीकेशन है ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, ठीक है। ड्यू टू स्टेट कंडक्टर का कंसेप्ट क्या बेटा? तो देखो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक स्टेट कंडक्टर और एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं बेटा, पी पॉइंट, जहां पर हमें क्या निकालना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हमें पता है बेटा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, अगर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की बात करें, अगर करंट ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिज्म ऐसे रोटेट करेगा, यानी जो पाम है वो क्या देंगे बेटा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने को क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएल लेंथ कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करते हैं बेटा, मिला देते हैं। दिस इज द डिस्टेंस आर, जो बायर सावर्ट लॉ के अंदर था बेटा, डीबी इज इक्वल टू कितना बेटा, मी नॉट बाय फोर बाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर है ना आपके पास, ठीक है। तो ये वो आर डिस्टेंस है, साइन थीटा ये वो एंगल है जिसको हमने एंगल साइन बोला बेटा, ठीक है। और इसका डिस्टेंस हम यहां से ले लेते हैं बेटा, जो अपने को पता है ए डिस्टेंस, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कंडक्टर की लेंथ कितनी मान लेते हैं बेटा, एल लेंथ, गॉट इट। अब यहां पर एक एंगल और कंसिडर करते हैं बेटा, दिस एंगल, दिस इज फाइव एंड दिस इज 90, तो ये आपके सामने एक ट्रायंगल बन गया बेटा ए ओ पी। इसके लिए अपने को क्या करना है बेटा, कंसेप्ट ड्रॉ करना है। अब हम जानते हैं, एज वी नो दैट बायर सावर्ट लॉ क्या कहता है बेटा, डीबी इज इक्वल टू मी नॉट बाय 4 बाय आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो बेटा इसमें कुछ चीजें हैं जो अपने को फाइंड आउट करनी है और कंसेप्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले अपने सामने क्या, साइन कंपोनेंट, साइन निकालना है अपने को, ठीक है। तो साइन कैसे निकालोगे बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल एओपी, ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल एओपी, इसमें अगर हम बात करें थीटा प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल आएगा बेटा, 180 डिग्री। देखो थीटा फाइव एंड 90 बिकम 180 डिग्री, तो बेटा यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 5, सो साइन कितना बन गया बेटा, साइन 90 माइनस 5 बन गया बेटा कॉस। तो ये आपने एक बात निकाल दी बेटा इसके अंदर, गॉट इट। अब हम आते हैं बेटा दूसरी चीज के ऊपर, दूसरी चीज क्या है, यहां पर आई, सॉरी आर, ठीक है। आई तो अपने को पता है बेटा इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है, आई तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम बात करेंगे आर की, तो अगेन हेयर अगर हम बात करें आर बाय ए, एंगल फाइव है बेटा अपने पास, कंसेप्ट फाइव में है, तो फाइव के सामने वाला क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, दूसरा क्या होगा, बेस, तीसरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस किसके इक्वल होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू सेकेंट फाइव। तो बेटा आपने आर भी निकाल लिया, किसके इक्वल, ए सेकेंट फाइव के इक्वल, गॉट इट। अब अपने सामने रह जाता है बेटा सिर्फ डीएल, बट क्योंकि डीएल क्या है, एक छोटा सा पॉइंट हमने कंसिडर किया है, तो डीएल वैसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम यहां लिख सकते हैं बट एल बाई ए किसके इक्वल है बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो ये बन जाएगा बेटा टेंजेंट फाइव। अब क्या करो बेटा इसको, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, क्या कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, कौन सा कंसेप्ट है यहां पर, फाइव, एंगल फाइव के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, डी बाय डी फाइव इन टू एल, ए कांस्टेंट है, डी बाई डी फाइव किसका बेटा, टेंजेंट फाइव का, और टेंजेंट फाइव का डिफरेंशिएशन, तो डी एल कितना आ जाएगा बेटा, ए सेकेंट स्क्वायर फाइव, डी फाइव को इधर ले आते हैं बेटा इन टू डी फाइव, डी बाई डी फाइव होता है टेंजेंट का सेकेंट स्क्वायर फाइव। तो हमने तीनों बातें निकाल ली बेटा, हमने यहां पर कॉस थीटा निकाल लिया, हमने यहां पर बेटा आर की वैल्यू निकाल ली, हमने डी एल की वैल्यू, पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, वन में क्या करो बेटा, ये सारी वैल्यू पुट कर दो बेटा, देखो रिजल्ट क्या आता है,
ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, DB इज इक्वल टू मी नॉट बाय 4 पाई आई, DL की जगह क्या रखोगे बेटा, A secant square phi into D phi, और साइन की जगह cos phi, डिवाइड बाय क्या बेटा, A secant square phi, got it? तो secant तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, ठीक है, ये था बेटा बायोट सावर्ट। लेकिन ये तो किसके लिए बेटा, एक छोटे से पॉइंट के लिए, आप किसके लिए निकालना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो बेटा कंप्लीट कंसेप्ट के लिए, मतलब पूरे कंडक्टर के लिए, तो पूरे कंडक्टर के लिए ये कंसेप्ट क्या होगा बेटा, तो क्या करें, पूरे कंडक्टर के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, तो हम लेट कर लेते हैं बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल और इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल, ठीक है बेटा, ये दो एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक, तो इस एंगल को हम मान लेते हैं दिस इज फाई वन, ठीक है, फाई टू मान लेते हैं, एंड दिस इज फाई, ठीक है बेटा, तो ये दो एंगल हैं, इन दो एंगल के रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेट करने के लिए डीबी को इंटीग्रेट करो बेटा जीरो से बी, ठीक है, और क्या है अपने सामने ये टर्म बेटा, तो मी नॉट बाय फोर पाई, ठीक है, आई बाहर ए बाहर, इंटीग्रेशन किसका, कॉस फाई इंटू डी फाई का, कहां से कहां तक बेटा, फाई वन माइनस से फाई टू तक, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया बेटा, बी मी नॉट बाय फोर पाई आई बाई ए कॉस फाई इंटू डी फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, ठीक है बेटा, माइनस फाई वन से लेकर कहां तक बेटा, फाई टू तक, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मी नॉट बाय फोर पाई I by A साइन अपर लिमिट माइनस साइन लोअर लिमिट, ठीक है, तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, मी नॉट बाय फोर पाई I by A साइन फाइव टू प्लस में क्या बेटा साइन फाइव। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं बेटा। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्या बेटा बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। कंसेप्ट का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। अब कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन माइंड में रहता है बच्चों की, सर ये माइनस फाइव वन क्यों लेते हैं बेटा, तो माइनस फाइव वन का कंसेप्ट इसलिए बेटा यहाँ पर, क्योंकि आपने एसएचएम के अंदर भी पढ़ा होगा, जब पार्टिकल की पोजिशन हम बिलो लेके चलते हैं, तो बिलो लेके चलते हैं तो उस एंगल को क्या करते हैं बेटा, मीन पोजिशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या रखा है, माइनस फाइव वन को यहाँ पर कंसिडर कर रखा है। अब अपने सामने इसके कुछ स्पेशल केसेस है बेटा, ठीक है, स्पेशल केसेस की बात करेंगे तो फर्स्ट स्पेशल केस, ठीक है बेटा, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम इनफाइनाइट, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम इनफाइनाइट, सपोज करो ये कंडक्टर है, इसके लेंथ को हमने क्या कर दिया बेटा, इंफिनिटी कर दिया, और पॉइंट बी लाई नियर क्या बेटा, एंड नियर द कंडक्टर, ये पॉइंट बी इधर आ जाए, इसका मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, इस बात को आप ध्यान कर लेना, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम इंफिनिटी, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम इंफिनिटी एंड पॉइंट बी लाई नियर द, कहां बेटा, नियर द कंडक्टर, देन व्हाट हैपन, तो बेटा अगर मैं इंफिनिटी से यहां पर एंगल ड्रॉ करूं, मैंने इंफिनिटी से यहां पर क्या किया बेटा, एंगल बनाया बेटा, तो ये बोथ एंगल कितने डिग्री के आ जाते हैं बेटा, 90 डिग्री के, यानी इस केस में phi1 phi2 दोनों 90 डिग्री बन जाएगा, और दोनों 90 बन गए तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, v नॉट बाय 4 पाई i बाय a sin 90 sin 90 कितना हो जाएगा बेटा, 1 plus 1 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट रिजल्ट। अगर बेटा सेकंड के कंसेप्ट की बात करें, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिस टाइम आल्सो इंफिनिटी, इस टाइम भी हम क्या मान रहे हैं बेटा, सर इंफिनिटी मान के चल रहे हैं, ये हमने इसे इंफिनिटी कर दिया बेटा, बट इन दिस टाइम पॉइंट बी लाई नियर द एंड ऑफ द कंडक्टर, वन एंड ऑफ द कंडक्टर, किसी एक एंड के पास लाई करें, तो इससे क्या होगा बेटा, ये एंगल तुम्हें पता है इंफिनिटी से, अगर
इंफिनिटी से लेके आए तो ये एंगल तो कितना बनेगा 90। तो आपका phi 1 तो कितना बन गया 0 और phi 2 कितना बन गया बेटा 90। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा mu नॉट बाय 4 बाई आई बाई ए इंटू क्या बेटा 1। गॉट इट। और लास्ट इसकी एप्लीकेशन बेटा बाईसेक्टर पॉइंट। अगर एंगल्स बाईसेक्टर की तरह काम करें, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, जिस तरह ये आपने कंडक्टर ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया बेटा, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया बेटा, ये भी एंगल फाइव और ये भी एंगल फाइव, ठीक है, ये जो लेंथ है ये बाईसेक्टर है बेटा, मतलब इस कंडक्टर की जो लेंथ आपने हाफ ली है इसको हम यहां पे ले आए, इस पॉइंट पे ले आए हाफ ऑफ द लेंथ। अब ये अपने को पता है ए है, ये अपने को पता है कितना है आर है, और आर किसके इक्वल है, आर है ए स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 और उसका क्या बेटा 1/2। बस वैल्यू पुट करनी है, बी आपने क्या पढ़ा बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन, साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन फाइव, साइन फाइव टू साइन फाइव, ठीक है, और साइन फाइव परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है एल बाई टू, बाई में हाइपोटेन्यूज, एल स्क्वायर बाय 4 प्लस में क्या बेटा ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बेटा 1/2। तो ये है आपके सामने तीन इसके क्या बेटा स्पेशल केसेस, किसके बेटा बर्ड्स आउट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखो, तो देखो बेटा अब हम सेकंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं। पहली एप्लीकेशन हमने की थी स्ट्रेट कंडक्टर जिसके सिर्फ स्पेशल केसेस थे, इसमें स्पेशल केसेस भी हैं और दो पार्ट भी बना रखे हैं। क्या है कंसेप्ट का नाम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक है, सर्कुलर वायर है अपने पास, कॉइल है, ठीक है, उसके लिए अपने को क्या करना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो इसके दो पॉइंट है, एक पॉइंट है एट सेंटर और दूसरा भी बताऊंगा, पहले एट सेंटर का कंसेप्ट हम करते हैं बेटा। तो देखो ये है अपने सामने, यहां से आई करंट क्या बेटा यहां से वापस आ गया, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस हम कितना लेट कर लेते, दिस इज आर डिस्टेंस, गॉट इट। अब इसके बाद बेटा ये हमने पॉइंट ले लिया डी, तो इस बार ये टेंजेंट है बेटा, तो डी एन के साथ इसका एंगल कितना बनाया बेटा 90, गॉट इट। तो भरो इस कंसेप्ट को, आपके सामने सारी चीज आएगी बेटा, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा डी बी इक्वल टू क्या होता है बी नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा, साइन कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। तो आपके पास डी बी है क्या बेटा मी नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू क्या बेटा डी, क्या करते हैं इसे नाउ इंटीग्रेट, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करो जीरो से भी कंप्लीट निकालने के लिए, इसे इंटीग्रेट करो जीरो से 2 पाई आर, क्योंकि आपने स्मॉल लेंथ जो कंसीडर की थी इसी सर्कल की किया बेटा, और सर्कल की कंप्लीट लेंथ कितनी होती है बेटा 2 पाई आर। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, इसका रिजल्ट डी मी नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल का 0 से 2 पाई आर तक, और आप रिजल्ट जानते हैं बेटा डी एल का क्या होगा एल, लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो 2 पाई आर, ठीक है, एक आर से एक आर क्या कर दो कैंसिल, तो इसके दो रिजल्ट बन जाएंगे। पहला रिजल्ट बनेगा बी इक्वल टू क्या बेटा मी नॉट आई वाई में क्या बेटा 2 आर, ठीक है, और दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा बेटा b इज इक्वल टू मी नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में आर इंटू एंगल मेकिंग बाय द सर्कल, ठीक है, जितना एंगल मेकिंग हुआ बेटा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपको जरूरत पड़ेगी, कई बार सर्कल में पूरा एंगल नहीं होगा, कई बार सर्कल में हाफ एंगल होगा, तो 2 पाई की जगह आपको वो एंगल लेना है, यहां तो हम कंप्लीट एंगल लेके चल रहे हैं 2 पाई, ठीक है बेटा। दिस इज द फर्स्ट एट द सेंटर, और सेकंड है बेटा एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है बेटा, एक्सिस के ऊपर निकालना है आपने, तो
ठीक है, किसी एक पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं बेटा, कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो अपने सामने क्या है, ये है आपके पास, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इस शेप में ले लिया बेटा, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर अपने को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे निकालेंगे, ये रेडियस कितना है, ए रेडियस, ठीक है। तो बेटा इसके लिए देखो आप इस कंसेप्ट को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहां पर लेके चलेंगे डी एल लेंथ। डी एल लेंथ के लिए देखो बेटा, पहले तो आप क्या करो, इस पॉइंट को इससे मिला दो, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर, आर किसके इक्वल होगा बेटा, आर होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी बेटा, 1/2। ये आप जानते हैं बेटा, आपने पहले भी इस कंसेप्ट को किया होगा, लेकिन अपने पास कंसेप्ट है बेटा डी बी इज इक्वल टू मी नोट बाय 4π आइडियल साइन थीटा। हमें एक्सिस पे निकालना है, जनरल सी बात है, इसके क्या बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे बेटा। तो कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले इस एंगल को हम क्या करते हैं बेटा, रिप्लेस करते हैं, मतलब क्या लेके चलते हैं, इसको हम थीटा लेके चलते हैं बेटा 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होगा बेटा, साइन 90 होगा आपका 1/2। तो इसका मतलब यहां पर हम इसे क्या कर देते हैं बेटा, परपेंडिकुलर ले लेते हैं इस लेंथ के, हम क्या करते हैं बेटा, इसे परपेंडिकुलर ले लेते हैं, किसको, डीबी को, ये इसने इसके साथ परपेंडिकुलर कंसेप्ट बनाया। और यहां इसका ए रेडियस है बेटा, तो ए रेडियस को अगर हम ड्रॉ करें यहां पर, तो ये इसके साथ एंगल फाइव बनाता है बेटा। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा बेटा कितना, डीबी कोस फाइव। इस बार एग्जाम में 3 मार्क्स में आया हुआ, तो बेटा ध्यान करना, डीबी कोस फाइव, और इधर क्या बनेगा बेटा, इधर बनेगा डीबी साइन फाइव, ठीक है। तो डीबी कोस फाइव और डीबी साइन फाइव बेटा, आपको पता है ये एंगल, ये एंगल कितना बेटा, 90, और 90 में से 5 निकल गया, तो ये कितना बच गया बेटा, 90 माइनस 5, ठीक है ना। लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता है बेटा कि ये एंगल भी तो कितना है बेटा, 90, और 90 में से 5 निकल गया, तो ये एंगल कितना बच गया बेटा, ये एंगल भी आपका 5 बच गया, गॉट इट, ठीक है। ऐसे ही एक लाइन में इधर से ड्रॉ कर लेता हूं बेटा, इधर से जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे लगे, मुझे मिलेगा यहां पर भी डीबी कोस फाइव। इसका मतलब यहां पर कोस कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट। अगर कोस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो सिर्फ अपने पास रिजल्ट किसका है बेटा निकालने के लिए, साइन फाइव का। तो सबसे पहले इस 90 को पुट करो, डीबी क्या होता है बेटा, मी नॉट बाय 4π आइडियल साइन 90 कर दें, और साइन 90 करके इसको क्या करते बेटा, खत्म कर दे बेटा, ठीक है। हमें निकालना है डीबी साइन फाइव, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी डैश किसके इक्वल होगा, यहां कर लेते हैं बेटा, बी डैश होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा, डीबी साइन फाइव, क्योंकि ये कंपोनेंट अपने को निकालना है, कहां से कहां तक, पूरी लेंथ कितनी बेटा इसकी, 2π a। तो डीबी का रिजल्ट कितना है अपने पास, डीबी का रिजल्ट है mu नॉट बाय 4π i dl x स्क्वायर a स्क्वायर इनटू साइन फाइव। साइन फाइव क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये लिख दिया बेटा, बाय में हाइपोटेन्यूज, ये लिख दिया बेटा, x स्क्वायर a स्क्वायर की पावर कितनी बेटा, 1/2। तो कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा mu नॉट बाय 4π i x स्क्वायर a स्क्वायर पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2 इंटू ए, और इंटीग्रेशन किसका होना है बेटा, यहां पर dl का, 0 से 2π है, और dl का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, 2π है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट बन गया मी नोट बाय 4π आई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 को आगे दिया है पाई ए स्क्वायर, और पाई ए स्क्वायर क्या पढ़ा बेटा आप लोगों ने, एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, तो रिजल्ट बन जाएगा मी नोट बाय 4π 2i एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2 इंटू एरिया बेटा, करंट इंटू एरिया, आगे अगले चैप्टर में आएगा, करंट इंटू एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, करंट इंटू एरिया, ठीक है। तो ये था अपने पास इसका रिजल्ट, इसके भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, लेकिन वो स्पेशल केसेस बड़े सिंपल हैं, x इक्वल टू a,
दूसरा x वेरी वेरी ग्रेटर देन a और तीसरा है x वेरी वेरी लेस देन a। ये तीन केसेस क्या करना बेटा अपने को इसके ऊपर अप्लाई करना है। अगर x इक्वल टू a कर दिया तो क्या होगा रिजल्ट, तो b डैश आ जाएगा मी नॉट बाय 4 पाई 2m। x इक्वल टू a मतलब दोनों को a मान ले बेटा, तो a स्क्वायर a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर की पावर कितनी बेटा 3/2। यहां पर क्या होगा, यहां होगा बेटा ग्रेटर देन तो a को कैंसिल आउट कर दो तो 2m बाय में क्या रह जाएगा बेटा x क्यूब रह जाएगा। और तीसरा अब x को रिप्लेस कर दो बेटा तो 2m बाय में क्या आ जाएगा a क्यूब। तो ये तीन रिजल्ट है बेटा किसके, एक्सिस पॉइंट के बेटा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है बेटा, ये तीन एप्लीकेशन है किसके बेटा, बायोट सावर्ट लॉ के, ठीक है बेटा। तो आज के लिए आप इतना ही कर लीजिए, ठीक है। ये तीन एप्लीकेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बेसिस कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू, बाय।